सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मेरा नाम जसविंदर सिंह है। आज हम आपको जो प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं वो ओली सेक्टर 28 पॉकेट A3 में लोकेटेड है। DDA के 32 मीटर के जोड़े पे दो प्लॉटों पे बना हुआ बिल्डर फ्लोर है, जिसमें 3 BHK का नक्शा निकला हुआ है और लिफ्ट और पार्किंग आपको मिलेगी। इस पॉकेट के बिल्कुल अपोजिट में LIG और MIG फ्लैट्स हैं, जो कि टोटली भर चुके हैं। कोई भी फ्लैट उसमें अब खाली नहीं है, वो सोसाइटियाँ पूरी भर चुकी हैं। और LIG फ्लैट्स के जो यहाँ पे इस पॉकेट के सामने जो रेट हैं वो 22 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए का है। और MIG फ्लैट जो 2 BHK है उसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 65 लाख रुपए से लेकर यही कोई 80 लाख रुपए के आसपास का है। तो उसके कंपैरिजन में ये आपको काफ़ी रीजनेबल रेट में ये फ्लोर मिल रहा है, जो कि 32 मीटर के जोड़े पे बना हुआ है। 32 मीटर का जो प्लॉट का फ्रंट है इधर वो 4 मीटर का है, तो जोड़े में ये 8 मीटर का फ्रंट हो गया और 8 मीटर की गहराई होगी, तो बिल्कुल चौरस प्लॉट पे ये बना हुआ है। काफ़ी अच्छा इसमें नक्शा निकला हुआ है और रूम भी काफ़ी स्पेशियस निकले हुए हैं। फ्रंट में जो इसके रोड है वो 12 मीटर है, पार्क और चारों तरफ से वॉल कवर्ड है ये पॉकेट। फिर अगर आप रोहिणी एरिया में रहते हैं और अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये रेंट पे कर रहे हैं 2 या 3 BHK में आप रह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। क्योंकि अगर आप 15 से 20 हज़ार रुपये रेंट पे कर रहे हैं तो मेरी सजेशन यही है कि कुछ आप बजट थोड़ा सा कहीं से श्रिंक करके आप जो रेंट पे कर रहे हैं उसी को आप EMI में कन्वर्ट कराएं। थोड़ा सा आपको EMI बढ़ जाएगी रेंट से, रेंट के मुकाबले, लेकिन चीज़ धीरे धीरे करके आपकी अपनी हो जाएगी। आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे और आने वाले टाइम में जब EMI ख़त्म हो जाएंगी तो जो फ्लोर है वो आपका अपना हो जाएगा। तो आइए एक बार देखते हैं कैसा ये बना हुआ है, क्या स्पेस है अंदर इसके, और उसके बाद इसके रेट की और अदर फैसिलिटीज़ की बात करेंगे। ये फ्रेंड्स बिल्डिंग का फ्रंट व्यू है, बाहर से आप देख सकते हैं बिल्डिंग। अपर ग्राउंड फ्लोर पे फैमिली रह रही है और सेकंड फ्लोर पे फैमिली रह रही है। आज हम आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाएंगे। ये पार्किंग स्पेस है, दो गाड़ियाँ आप देख सकते हैं इजीली खड़ी हुई हैं। और पेपरों पे आपको 25% पार्किंग स्पेस मिल जाएगा। पार्किंग स्पेस है वो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग गाड़ी और बाइक उस पर खड़ी कर सकते हैं। सबके सेपरेट मीटर लगे हुए हैं और लिफ्ट का भी सेपरेट मीटर लगा हुआ है। बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हुई है और स्टेयर्स भी हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये हम फ्लैट में एंट्री कर रहे हैं। फर्स्ट रूम ड्राइंग रूम है, जिसका साइज 9.5 x 16 है और इस तरह से ये 3 BHK बना हुआ है। वॉल सीलिंग सारे ही कमरों में हो रखी है। ये फर्स्ट ड्राइंग रूम है, जिसका साइज है 10.5 x 10.5। तीनों बेडरूम का साइज सेम है। इसमें एक आपको अलमीरा मिल जाएगी। और अटैच टॉयलेट बाथरूम है। वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट भी दे रखी है, जो कि रूम और टॉयलेट बाथरूम दोनों से कनेक्ट है। टॉयलेट बाथरूम इस बेडरूम और ड्राइंग रूम दोनों का शेयरिंग है। दोनों तरफ से इसमें एंट्री दे रखी है। ड्राइंग रूम से भी यही बाथरूम यूज होगा और इस बेडरूम के साथ अटैच भी है। हमारा सेकंड रूम है, 8 फीट के हाइट के दरवाजे दे रखे हैं और दरवाजों की वुडन क्वालिटी काफ़ी थिक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के दरवाजे लगे हुए हैं। इस रूम में भी एक अलमीरा आपको बनी हुई मिलेगी। फॉल सीलिंग सब में हो रखी है और वॉलपेपर लगे हुए हैं। ये वुडन का LCD पैनल लगा हुआ है, जिसपे आप LCD हैंग कर सकते हैं।
और इस रूम के साथ आपको अटैच बालकनी मिलेगी, इसको आप वॉशिंग एरिया की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वेंटिलेशन अच्छी रहेगी इस कमरे के अंदर। उसके बाद ये किचन है और किचन के साथ तीसरा बेडरूम है जो कि मास्टर बेडरूम। इसके अंदर दो अलमीरा दे रखी हैं और सेंटर में आपका डबल बेड लगेगा। कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन करा हुआ अलमीरा को, स्पेस काफ़ी अच्छी है अलमीरा के अंदर। उसके साथ में एक ये बड़ी सी विंडो दे रखी है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन कमरे में रहेगी। वुडन का पैनल दे रखा है LCD के लिए। इसमें भी अटैच टॉयलेट बाथरूम है। उसके बाद ये किचन का एरिया है। किचन में ये जगह जो दे रखी है वो आपके फ्रिज के लिए दे रखी है और अपना, और इसमें आपको मॉडल किचन बना के दे रखी है। किचन में भी वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिल जाएगी। सभी कमरों का जो साइज़ है वो 10.5x10.5 का है और ड्राइंग रूम का साइज़ 9.5x16 का है। दो टॉयलेट बाथरूम है इस फ्लोर में। ड्राइंग रूम में भी वुडन का LCD पैनल दे रखा है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया, इसके अपोजिट में MIG फ्लैट्स की पॉकेट है जो सारी की सारी भर रखी है और वो 2 BHK फ्लैट है। उसका जो रेट है वो 65 से लेकर 80 लाख रुपए के बीच में है। ये जो आपने अभी फ्लोर देखा, ये 32 मीटर का जोड़े पे फ्लोर है। 32 मीटर के दो प्लॉटों पे जोड़ा बना के फ्लोर बनाया हुआ है। इसका जो प्राइस है 32 लाख रुपीज़ है, 52 लाख रुपये में ये फ्लोर आपको मिल जाएगा। स्लाइटली प्राइस नेगोशिएबल है, वो आप ऑन टेबल जब आप फाइनल करेंगे तो वो नेगोशिएबल होगा। फ्रेंड, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो रिठाला है, वो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और सेकंड जो है वो बादली मेट्रो स्टेशन है जो कि 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और बिजली, पानी और IGL कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अराउंड 80 फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं इस पॉकेट के अंदर। डेली नीड्स की चीज़ें भी इजीली अवेलेबल हो जाती है। बात करें मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस में आपको इस फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ जो लिफ्ट लगी हुई है उसका चार्ज देना है। उसके लिए अलग एक मीटर लगा हुआ है जिसका जो बिल आएगा वो चारों फ्लोरों में डिवाइड होगा। अगर आप इसके अंदर रह रहे हैं या आपने रेंट पे दे रखा है तो लिफ्ट की शेयरिंग आपको तभी देनी है। अगर आपका फ्लैट आपने खरीद रखा है और खाली पड़ा है तो लिफ्ट की शेयरिंग आपको उस केस में नहीं देनी। अब बात करते हैं यहाँ पर मिलने वाले लोन की। लोन जो यहाँ पर रजिस्ट्री अमाउंट का 90% मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्री अमाउंट का आपको 5 से 7% पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पे मिलने वाले रेंट की। अगर आप ये 3 BHK का फ्लोर यहाँ पे लेते हैं तो आपको 10,000 रुपये के आसपास यहाँ पे रेंट मिल जाएगा, अगर आप इसको रेंट पे देना चाहते हैं और रेंटल इनकम बनाना चाहते हैं तो। फ्रेंड्स, अगर आप इस फ्लोर को खरीदना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रहा हूँ कॉन्टैक्ट पर्सन के, आप उनको कॉन्टैक्ट करके इसके इससे रिलेटेड सेल परचेज की क्वेरी कर सकते हैं। और अगर अदर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट सेल परचेज के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें। कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप किस रेंज की और किस एरिया में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, ताकि हम उस एरिया को भी एक्सप्लोर कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ।